रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के लिए हर्ष माना जाता है। ऐसे में अजमेर में इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। शहर की महिलाएं अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए अपने घर रवाना हो गई, तो वहीं कई बहनें अजमेर भी पहुंची है। अजमेर की सेंट्रल जेल में 1000 से अधिक कैदी बंद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन की ओर से भी बहन भाई के इस रिश्ते को हर्षोल्लास से मनाया जा सके, इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जेल में बंद हार्डकोर अपराधियों को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों को भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की अनुमति दी गई। उच्चाधिकारियों की गाइडलाइन के अनुसार अजमेर ही नहीं, राजस्थान और देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंची बहनों को केवल एक रक्षा सूत्र लेकर ही भाई के पास भेजा गया, जहां कारागार की सलाखों के बीच बहनों ने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद यह पहला मौका है जब जेल में बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का अवसर दिया गया, और इस दौरान बड़ी संख्या में बहनें सेंट्रल जेल पहुंची। इस दौरान भाई और बहन दोनों की ही आंखें नम नजर आई। मैं जयपुर से यहाँ मेरे भैया को राखी बांधने आई हूँ। वैसे ऐसे जैसे लगता हो वैसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा फील हुआ कि गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया, और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। सब दो साल से कोरोना काल से नहीं बांध पा रहे थे, तो आज आए हैं, किस तरीके से भाई से हाथों में कलाई हुई जी राखी बांधी हमने, और मुलाकात भी हो गई है जी, अच्छा लगता है। क्या नाम है भाई? पूजा। आपका? मेरे भैया का नाम है राम, मेरा नाम पूजा। आज सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मैं लखी मेधा आसाम से आई हूँ, और यही किशनगढ़ में मेरी शादी हुई है, और लाडली घर स्थित दृष्टिबाधित विद्यालय की मैं एक टीचर हूँ, जो म्यूजिक सिखाती हूँ, ब्रेल सिखाती हूँ, और बच्चों के साथ रहकर बहुत खुशी मिलती है, और आज इस जगह पे आके बहुत खुशी मिली है, और हम लोग आके जो रिश्ता यहाँ पे अनुभव की है हमने जी, वो जी ठीक है, शब्द में कहना मुश्किल है क्योंकि कोई ना शाबाश शाबाश, क्योंकि मैं खुदा साहब से भाई को याद करूँ। ठीक, आपका परिचय?